बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 के संस्कृत की पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग का आज हम लोग द्वादश पाठ कह रक्षति कह रक्षिता, तो इसका हम लोग आज अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। और अभ्यास में यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया है वो है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नानाम बहुवचन है ये, प्रश्नों का उत्तराणि उत्तर एक पदेन लिखत, एक पद में लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है वह है केन पीड़िता वैभव बहिरागता। केन पीड़िता, किससे पीड़ित होकर वैभव वैभव बहिरागता बाहर आया। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे जो है वो गर्मी से, बिजली न होने से और विद्युत के अभाव से। तो यहाँ पर प्रचंड ऊष्मणा, तेज गर्मी से, यहाँ पे उत्तर एक हम लोग करेंगे, एक का क करेंगे, प्रचंड ऊष्मणा। प्रचंड ऊष्मणा यानी कि तेज गर्मी से, प्रचंड मतलब बहुत तेज और ऊष्मणा यानी गर्मी। और दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, दूसरा प्रश्न है कि भवनेत्यादिनाम निर्माणाय के करते अंते, भवन आदि के निर्माण के लिए किसको काटा जाता है, केन करते अंते। तो यहाँ पर वृक्षाः, दूसरे का एक पदिन उत्तर हो जाएगा वृक्षाः। अवकर भंडारम यानी कि कूड़ेदान। तो यहाँ पर जो है प्रश्न है कि मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, रास्ते में क्या देखकर बच्चे जो है बात आपस में बातचीत करते हैं। अवकर भंडारम, कूड़े का ढेर, अवकर भंडारम, भंडार मतलब ढेर सारा, अवकर भंडारम यानी कि कूड़े, ढेर सारे कूड़े को देखकर। तो वो सब जो है देखकर वो पूछते हैं कि अब है यहाँ पे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि वयम शिक्षिताः अपि कथम आचरामः, हम लोग शिक्षित होते हुए भी कैसा आचरण करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, किसकी तरह आचरण करते हैं। तो अशिक्षितेव, अशिक्षितेव, अशिक्षिताः एव मिलकर अशिक्षितेव हो गया है। और अब है प्लास्टिक अंग वाला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षतिः भवति। लयाभावात् में अभाव शब्द है, लय अभाव, लय होना मतलब कि मिट्टी में मिल जाना, जैसे कि पेड़ की पत्तियां होती हैं, कागज़ होते हैं, ये सब जो है सब्जियों के छिलके होते हैं, ये सब मिट्टी में मिल जाते हैं, कुछ समय बाद वो जो है मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक का मिट्टी में मृत्तिकायाम यानी मिट्टी में लयाभावात्, लय होने के अभाव के कारण, मिलने की कमी के कारण, कस्य कृते महती क्षति भवति, किसके लिए बहुत बड़ी हानि होती है, नुकसान पहुंचता है किसको। तो यहाँ पर पर्यावरणस्य, पर्यावरण के लिए महान क्षति होती है, पर्यावरणस्य। और च वाला प्रश्न यहाँ पर, च वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि अद्य निदाघ तापस्तस्य किम शुष्कताम याति, निदाघ ताप तप्तस्य, बहुत अधिक गर्मी से,
किम शुष्कताम याति, क्या सूख जाता है? जब बहुत तेज गर्मी होती है, प्यास लगी होती है, तो हमारा तालू जो है वो सूख जाता है। तो यहाँ पे च में तालू लिखेंगे। निदाघ मतलब बहुत अधिक, बहुत अधिक ताप तप्त से, गर्मी से तपने के कारण, गर्मी के कारण। किम शुष्कताम याति, क्या सूख जाता है? तो तालू यानी कि तालू जो है मुंह के अंदर तालू वो सूख जाता है। अपूर्ण वाक्यन उत्तराणी लिखत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। इसमें जो है वो पहला दिया हुआ है, परमिंदर गृहात बहिरागत्य किम पश्यति, परमिंदर घर से बाहर आकर किम पश्यति, क्या देखता है? तो यहाँ पर परमिंदर जो है वो घर से बाहर आकर क्या देखता है, ये यहाँ पर कहा गया है। तो इसमें जो है परमिंदर गृहात बहिरागत्य सर्वथा अवरुद्धम वायु वेगम पश्यति। तो यहाँ पे हम लोग पूर्ण वाक्य उत्तरत का प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न हम लोग करेंगे, परमिंदर गृहात बहिरागत्य किम पश्यति, परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है? तो यहाँ पे ये दूसरा प्रश्न है, परमिंदर गृहात बहिरागत्य सर्वथा अवरुद्धम, सर्वथा मतलब पूरी तरह से, अवरुद्धम मतलब रुका हुआ, पूरी तरह से अवरुद्धम वायु वेगम हवा की गति, यानी कि बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। वायु वेगम पश्यति यानी कि रुकी हुई हवा देखता है, वहाँ पे कोई भी हवा नहीं रहती है, हवा का वेग जो है, गति जो है वो बहुत कम होती है। और अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न हम लोग करेंगे, अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते, हम लोग किसके निर्माण के लिए पेड़ काटते हैं? तो अस्माभिः अस्माभिः यत्र तत्र, अस्माभिः यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां, बहुभूमिक मतलब कई मंजिले का, भवनानां भूमिगत मार्गाणाम, भूमिगत मार्गाणाम ऊपरी गमी सेतूनाम, ऊपरी गमी सेतूनाम ऊपरी गमी सेतूनाम मार्गे त्यादिनाम, मार्गे त्यादिनाम निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते, आदि बनाने के लिए, निर्माणाय मतलब बनाने के लिए, वृक्षाः कर्तयन्ते, और अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, विनयः संगीतम् आहूय महोदय कृपां कुरु मार्गे भ्रमद्भ्यः इति वदति। यहाँ पे विनयः संगीतम् आहूय किं वदति, विनय संगीता को बुलाकर किं वदति, क्या कहता है? तो विनयः संगीतम् आहूय, विनयः
अब यहाँ पर ग में विनयः संगीताम आहूय किं वदति, तो यहाँ पर वो संगीता को नहीं बुलाता है, वो रोजलिन को जो है आहूय यानी बुलाकर कहता है, वो रोजलिन को आहूय यानी कि बुलाता है और कहता है, महोदय कृपा करो मार्गे भ्रमद्भ्य। तो यहाँ पर हम लोग रोजलिन कर लेंगे, ग में विनयः रोजलिन आहूय महोदय महोदये कृपां कुरु कृपां कुरु मार्गे भ्रमद्भ्यां मार्गे भ्रमद्भ्यां रास्ते में जाने वालों पर कृपा करें। इति वदति, वो ये कहता है कि आने जाने वालों पर कृपा करें, अर्थात उनके ऊपर कूड़े न फेंकें। और अब है रोजलिन आगत्य किम करोति, रोजलिन आकर क्या करती है, तो रोजलिन आगत्य रोजलिन आगत्य बालैः साकं बालैः साकं स्वक्षिप्तम अवकरम स्वक्षिप्तम अपने फेंके हुए अवकरम मार्गे विकीर्णम मार्गे विकीर्णम मार्गे विकीर्णम अन्यत अवकरम अन्यत अवकरम चापि संग्रह्य चापि संग्रह्य अवकर कंडोले अवकर कंडोले प्रार्थयति। रोजलिन जो है वो आकर उस कूड़े को जो है वो हटाती है वहाँ से, और भी जो वहाँ पे फैले रहते हैं उनको भी वो उठा लेती है। तो इस तरह से जो है वो जितने भी कूड़े वहाँ पे रहते हैं उसको वो इकट्ठा करती है, और इस तरह से वो जितने भी कूड़े वहाँ पर फैले रहते हैं उनको उठाकर कूड़ेदान में वो डालती है। तो इस तरह से वो जो है आकर सभी कूड़ों को इकट्ठा करती है और कूड़ेदान में फेंकती है। तो इस तरह से रोजलिन जो है अवकर कंडोले पातयति, पातयति मतलब कूड़ेदान में गिरा देती है। और अब जो अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगले प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग घ तक किए हैं कि अंतः जोसेफः पर्यावरण रक्षायै कः उपायः बाधयति बोधयति, यहाँ पे बोधयति होगा यानी कि बताता है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे अन्ते
अन्ते जोसफः अन्ते जोसफः जोसेफः पर्यावरण रक्षायै पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः। इति उपायः बोधयति। और अब यहाँ पर हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है कि जागरूकतया एव स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यन्ति। यानी कि जागरूकता के साथ ही स्वच्छता अभियान भी गतिम प्राप्स्यति, गति प्राप्त करता है, अर्थात आगे बढ़ता है। तो जागरूकतया की जगह पर हो जाएगा कया। यहाँ पे प्रश्नवाचक हम लोग शब्द लेंगे उत्तर तीन के क में। ये उत्तर तीन का क है तो कया हो जाएगा, यहाँ पे क में कया किसके साथ। और दूसरा प्रश्न है धेनु शाक फलानाम आवरणीय सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति स्म। गाय जो है फल और सब्जियों के साथ साथ प्लास्टिक के थैली को भी खादति स्म, खा जाती थी। तो यहाँ पर हो जाएगा कई हसा कई। और अब यहाँ पे वायु वेगः सर्वथा अवरुद्धः आसीत्। वायुवेग हवा की गति पूरी रुकी हुई थी, तो यहाँ पे कह गति हो जाएगा, किसकी गति कह। और अगला है सर्वे अवकरम संग्रह अवकर कंडोले पातयन्ति। सभी कूड़ा इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालते हैं, तो कुत्र यहाँ पे प्रयोग करेंगे, कहाँ डालते हैं, तो कस्मिन या किसमें डालते हैं या कहाँ डालते हैं, तो कस्मिन का प्रयोग करेंगे, किसमें। और अगला प्रश्न है कि अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते। आज प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं अधिकतर प्राप्त होती हैं। वस्तूनि की जगह पे हो जाएगा कानी, क्या प्राप्त होती हैं, तो कानी का प्रयोग करेंगे। और अगला प्रश्न है कि सर्वे नदी तीरम प्राप्ता प्रसन्नाः भवति। सभी नदी के किनारे जाकर प्रसन्न होते हैं, तो कुत्र जगह का है, तो यहाँ पे कुत्र या कम दोनों का प्रयोग हो सकता है। और अब है अगला प्रश्न संधि विच्छेदम पूर्यत। संधि विच्छेद को पूरा करना है, और इसमें जो है वो चौथे प्रश्न में जो पहला संधि दिया है ग्रीष्म ऋतु, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु जो है इसमें दिया हुआ है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। उत्तर चार पहले करेंगे। उत्तर
चैप्टर चार में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद में हमें दोनों पदों को अलग करना होता है। यहाँ पे कहीं पर लिखा हुआ है और कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, तो इस प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।